व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ मॉम एंड ड्रैग। मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिए और पसंद आए तो लाइक का बटन भी जरूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आज की हमारी रेसिपी है अरेबिक चिकपी सैलेड। दिस सैलेड लुक्स सो कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, बट बिलीव मी, वंस यू आर गोइंग टू ट्राई इट, एवरीवन इन द होम इज गोइंग टू लव दिस सैलेड। These are all the dry ingredients. Dry ingredients में हमारे पास 200 ग्राम boiled chickpeas हैं, 1 कप pomegranate है। pomegranate आप कोशिश करें कि मीठे available हो और जिनकी seeds soft होती हैं, easily chewable होती हैं, तो कोशिश करें कि वो वाले pomegranate आपको मिलते हैं, वरना तो salad का मजा नहीं आएगा। Secondly, 1 tomato हमने chop कर लिया है, ठीक है। ये टोटली आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आपको टोमेटो सैलेड में अच्छा लगता है तो आप 2 टोमेटो भी ऐड कर सकते हैं। मुझे टोमेटो का टेस्ट नहीं पसंद इतना ज़्यादा, तो मैं इस वजह से 1 टोमेटो ही ऐड करूँ, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास ऑलिव्स हैं, ये भी आपकी टोटली आपकी चॉइस है, आपको कितना पसंद है ऑलिव आप उस हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी क्वान्टिटी, ठीक है। 2 एप्पल्स मैंने ले लिए हैं, थिनली स्लाइस कर लिए हैं। इसके अलावा मेरे पास कोरिएंडर लीव्स हैं 1 कप, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट बड्स पे कि आपको कितना पसंद है, कम ज़्यादा आप क्वान्टिटी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कप लिया हुआ है और 1 कप मैंने स्प्रिंग अनियन का ओनली ग्रीन पार्ट लिया है, वाइट पार्ट नहीं लिया है, ठीक है। अगर आपके पास अरेबिक ब्रेड अवेलेबल नहीं है तो आप पीता ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आई थिंक पाकिस्तान में अवेलेबल है ईजिली, और अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं तो फिर तो कोबोस ईजिली आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोबोस को हमने बीच से, क्योंकि वो 2 लेयर्स होती हैं, तो हमने बीच से उसको अलग करके और फिर इसको कट करके पीसेस में फ्राई किया है और अच्छे से फ्राई किया ताकि ये बिल्कुल ड्राई और क्रिस्पी हो जाए। पैन को ग्रीस करेंगे और फिर उसके अंदर हम कट हुए भी अरेबिक ब्रेड को फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे करेंगे 5 मिनट्स, एंड देन उसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होती रहे और अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। जब इसका अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर, तो फिर हम इसको निकाल देंगे। सॉस के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं 1 कप योगर्ट, 2/3 कप मेयोनीज, 1 टेबलस्पून लेमन जूस एंड 1/2 कप हमारे पास ऑलिव ऑयल है, जिसके अंदर हमने 1 लहसुन के जवे को क्रश करके ऑयल के साथ मिक्स कर लिया है। उसके अलावा हमारे पास 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर है और 1/2 टी स्पून ही सॉल्ट है। अब इन सबको मिक्स करेंगे और सॉस बना लेंगे।